नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी डिश है महाराष्ट्र स्पेशल, दिवाली स्पेशल चिवड़ा। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए पोहा लिया है। यहाँ पे मैंने एकदम थिन पोहा लिया है, पतला पोहा है ये, जो हम रोज के नाश्ते के लिए पोहा यूज़ करते हैं वो पोहा मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, एकदम पतला है। ये पोहा लेने से जो चिवड़ा है वह एकदम कुरकुरा बनता है, एकदम टेस्टी बनता है। सो अब हम पोहा को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये देखो पूरा कचरा निकल गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गैस पर रखना है और एकदम धीमी आंच पे पोहा को चलाते रहना है। उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और धीमी आंच में पोहा को रोस्ट करना है। ये देखो 3 से 4 मिनट के बाद पोहा एकदम कुरकुरा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो और भी कुरकुरा होता है। यहाँ पे मैंने लिया है रोस्टेड चना दाल, उसका स्किन निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और वो उसमें डालेंगे 1 कटोरी मूंगफली के दाने। उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये मूंगफली हो गई है। बाद में हम उसी तेल में डालेंगे रोस्टेड चना दाल, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। सेम ऑयल में डालेंगे हम अब नारियल। यहाँ पे मैंने नारियल को छोटा छोटा कट कर लिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ऑनियन। यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, उसको अच्छे से लंबा लंबा काट के धूप में सुखा लिया था। धूप में सूखने से ये एकदम ड्राई हो जाते हैं और ऑयल में जल्दी पक जाते हैं। इसको गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन डालने से जो हमारा चिवड़ा है उसको अच्छा सा स्वीट टेस्ट आता है। यहाँ पर डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था। अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखो एकदम कुरकुरा हो गया है। ये पूरा हमने फ्राई करके रेडी किया है। अब हम सेम ऑयल यूज़ करेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, 1 चम्मच सौंफ, डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, गैस को हमें धीमी आंच पर रखना है। फिर डालेंगे तिल व्हाइट वाले, और यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच हींग। हींग से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और आधी छोटी चम्मच हल्दी। यहाँ पे हम रेड चिली नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने यूज़ की है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने पोहा में ये पूरे मसाले ऐड करेंगे अच्छे से जो हमने फ्राई किया था, और इसको अच्छे से पोहा में मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे मिक्स करना है नहीं तो पोहा टूट जाएगा। और फिर हम डालेंगे मसाले पूरे जो हमने फ्राई किए थे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो पोहा को कलर आना शुरू हो गया है। ये देखो बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पाउडर शुगर और 1 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था पोहा में, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ही चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ से। यहाँ पे हमारा एकदम क्रिस्पी और टेस्टी कुरकुरा चिवड़ा बन के तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो एज अ स्नैक्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।